हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आज तो मैं सच में बहुत थक गया हूँ। आज मैंने लगभग 4-4.5 घंटे के वीडियो बनाए हैं। 8-9 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके सामने आपके लिए मैं चैप्टर के वीडियोस ला सकूँ। तो आज मैं 7.3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ही दूंगा, 7.1 से लेकर 7.3 एक्सरसाइज के वीडियोज़ मैंने आज बनाए हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स, और ये स्ट्रेंथ ये आपके लिए ही है कि भाई मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें करवा सकूँ। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब यही क्वेश्चन ना हमने 7.2 एक्सरसाइज के अंदर भी किया था। 7.2 एक्सरसाइज के अंदर भी ये फोर्थ क्वेश्चन ही है, लेकिन वहाँ हमने इस क्वेश्चन को एंगल साइड कोवेलेंसी रूल का इस्तेमाल करके प्रूव किया था। अब हमें ये RHS कोवेलेंसी रूल के इस्तेमाल करके हमें ये करना है। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। BE एंड CF ये दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं और दोनों ही इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। RHS कोवेलेंसी रूल का इस्तेमाल करके यूजिंग RHS कोवेलेंसी रूल प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है हमें RHS कोवेलेंसी रूल का इस्तेमाल करके, AAS का इस्तेमाल करके नहीं। तो ये तो अच्छा हो गया कि हमने वो एक तरीके से किया, अब ये दूसरे तरीके से भी ये हम कर रहे हैं ताकि दोनों तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो चलिए करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC BE परपेंडिकुलर है AC पर एंड CF परपेंडिकुलर है BC पर, जिसकी वजह से जो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं। सो एंगल 1 इजगल टू एंगल 2 इजगल टू 90 डिग्री, ओके ठीक है जी। और दोनों के दोनों इक्वल भी दे रखे हैं, BE बराबर में CF ये इक्वल भी है। हैव टू प्रूव, अब कौन सी साइड इक्वल करनी है वो तो हम जब कोवेलेंसी से आएगी वही करेंगे। दे नहीं रखी कि AB AC के बराबर करनी है या AB को BC के बराबर करना है, वो देखेंगे कोवेलेंसी के हिसाब से। हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस प्रूफ। तो लीजिए हम दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल PCE, BCF ये ट्रायंगल BCE, तो इसको अलग से शेड कर देते हैं, हम कुछ बना देते हैं ताकि अलग अलग अच्छे से हम समझ पाए। ये ट्रायंगल हुआ एक और एक ट्रायंगल हुआ ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, BC इजगल टू BC, दोनों में BC आ रही है, इस ट्रायंगल में भी BC आ रही है और इस ट्रायंगल में भी BC आ रही है, तो ये हुई कॉमन, ठीक है। और इस ट्रायंगल की पहले BCF ले रखा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये CF है इस ट्रायंगल की BE के बराबर है। CF बराबर में BE ये गिवन है, राइट। और एंगल 1 इजगल टू एंगल 2, BCF का एंगल 1 BCE के एंगल 2 के बराबर, ईच 90 डिग्री प्रूव्ड गिवन, यहां पे हमने लिखा है। तो देखिए अब ये RHS से क्यों हुआ, ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, BC जो है ये हाइपोटेन्यूस है और ये जो है ये साइड है। RHS रूल से 90 डिग्री F पर बना है, F को छोड़ दिया, बाकी दो पॉइंट बच गए BC इस ट्रायंगल के अंदर, तो BC हाइपोटेन्यूस हुई। एंगल 2 90 डिग्री है, इसको छोड़ दिया, बाकी दो पॉइंट बच गए BC, तो ये BC जो है हाइपोटेन्यूस हुई इस ट्रायंगल के अंदर। और एक साइड
जो ये वाली साइड जिस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है वो साइड होती है, एक साइड ये है 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो बाय RHS congruency rule triangle BCF congruent हो जाता है triangle corresponding निकालते हैं, इसमें C है इसमें B है, यानी कि यहाँ पे बचा B यहाँ पे बचा C, B के corresponding में हुआ C, यहाँ पे C है यहाँ पे B है तो C के corresponding में हुआ B, यहाँ पे बचा F यहाँ पे बचा E तो F के corresponding में हुआ E, C B E, यानी कि पहली दूसरी जो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है ये तो इक्वल है ही BC। हमें क्या प्रूव करना था, पूरी साइडें तो नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस वजह से जो ये वाला एंगल है इसे नाम दिया 3, इस वाले एंगल 4 के, यानी कि जो BCF के अंदर जो B पर बना एंगल है वो CBE पर C पर बने एंगल के बराबर होगा, यानी कि BCF पर जो B पर बना एंगल है वो CBE ट्रायंगल में C पर बने एंगल के बराबर होगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, बाय सीपीसीटी, राइट। अब हम एक अलग से रीजन लिखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो एंगल 3 के, ये ट्रायंगल हम ले इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल 3 के अपोजिट जो साइड है इस ट्रायंगल में बी को छोड़ दिया, बाकी जो दो पॉइंट बचे ए सी को बनाने वाला लाइन सेगमेंट ए सी हुआ, और 4 सी को छोड़ दिया तो इस ट्रायंगल के अंदर सी को छोड़ने के बाद बचे पॉइंट ए और बी, तो इनको बनाने इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हुआ ए बी, ए सी ए बी के बराबर हो जाती है, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर दो साइडें हो गई इक्वल, तो हेंस ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, प्रूव्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, वी हैव प्रूव्ड दिस। सम अप करें या समझ गए हैं आप, एक बार सम अप कर देते हैं। हमें दे रखा है, वेट अ मिनट, हमें जो दे रखा है वो है इस ए बी सी के अंदर ये और ये दोनों एल्टीट्यूड दे रखे हैं और दोनों इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन ये ट्रायंगल ए बी सी एक्चुअल में एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल है, हमें ये प्रूव करना है। और ये सेम क्वेश्चन हमने 7.2 एक्सरसाइज के अंदर फोर्थ क्वेश्चन था किया था, लेकिन वहाँ हमने एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से किया था। तो क्या होगा कि हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, एक ट्रायंगल ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर क्योंकि ये एल्टीट्यूड दे रखा है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, गिवन हो गया एक तरीके से। और फिर ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर हुई, तो RHS क्या कहता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के बराबर आ जाए तो वे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज F के अपोजिट में साइड है ये, E के अपोजिट में साइड है ये, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। RH अब रह गई S साइड, 90 डिग्री जिस पर बना है वो ये वाली साइड, 90 डिग्री बना है जो इस वाली साइड के बराबर दे रखा है इन दो ट्रायंगलों में, ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर, तो ये S साइड हो गई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीपीसीटी ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइडें होगी वो भी इक्वल होंगी,
जिसकी वजह से क्या होगा, थ्री के अपोजिट में साइड है वो ये है, फोर के अपोजिट में साइड है वो ये है, ये दोनों हुई बराबर और ये आइसोसेलस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है, क्योंकि दो साइडेड ट्रायंगल की हमने बराबर प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।